की लाज रख ले। तेरी ये चक्की सबको खुशियां देने के बाद भी बदनाम हो गई। पता है माँ, माँ चोरी मैंने नहीं की, चोरी किसी और ने की है, लेकिन बदनामी मेरे सर आ गई। अब मैं क्या करूँ माँ, क्या करूँ? अब तो ये चक्की नाम बदनाम होकर ही रहेगा। माँ, अब तो सबको यही लगेगा ना कि चक्की नाम कितना मनहूस है। चक्की नाम के सामने आते ही मैं बदनाम हो गई। ये चक्की चोर इस चक्की का नाम बदनाम नहीं होने देगा। जय हनुमान जान दुन सादल। जय तपी सती उलोत जातल लाम दूत अतुलित बलदाम अंजनी पुतल पवन सुतनाम। जोत लो भैया, जति भाभी, दबल भाभी, जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ, क्या हुआ कन्हैयालाल जी? अरे ये सब क्या है? उतरी वही बोल रहा हूँ। ये देखो, ये तो वही हांडा है जिसपे वो पटेल साहब पीने का पानी भरते घल में। वही घड़ी जो तिवालिका का गांव लेके जाने वाले थे। और वो हार तो भावना मासी का लगता है। सुन, ये तैसा तलिश्मा हो गया। आलोसी पालोसी के घर से जो सामान चोली हुआ वो हमारे घर पे आ गया। कमाल है मही, दिस इज अ मिरेकल। मतलब कि चमत्कार जैसा है। ये सब सामान यहाँ पर आया कैसे? वीरा, आप जल्दी से जाओ और सोसाइटी वालों को बुला के लाओ। हाँ, मैं अभी थोते सीते तीतला जाके पड़ोसी को बुलाते आता हूँ। अरे हमारा घड़ी मिल गया। अरे हम अपनी अम्मा के लिए लेके जाने वाले थे गाँव में। मोबाइल मिल गया। वीरा, वो हमने मशीन का हार दे दो। खुश? लेकिन ये सारा सामान मही के घर आया कैसे? अरे ये तो हमारे लिए भी एक पहेली है। तिवारी जी, सिस पटेल, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा सारा सामान गायब कराने के लिए मही ने ये पार्टी रखी थी? अरे भावना पगला गई हो का तू? हैं? भाग हो गई हो? अरे मही पे शक कर रही हो? मही पर? इतनी अच्छी लड़की पर? इसीलिए तुम्हारा दिमाग एकदम सड़ गया है, इसीलिए तुम्हारा पति तुमको छोड़ के चला गया। अरे का हुआ तिवारी जी, सब कुछ ठीक है ना? अरे कुछ नहीं सागर, सब ठीक है। वो का है, भावना जी के पेट में दर्द हो रहा था, पेटवा जरा बड़ा है ना, तो हम देसी नुस्खा बता रहे थे एकदम बढ़िया वाला। भावना मासी, मैं दवाई लेके आऊँ आपके लिए? अरे कौनो जरूरत नहीं है मई। वो का है कि हमको जादू टोना टोटका सब आता है, एकदम बढ़िया फूक दिए, ठीक हो गई। क्यों ठीक हो गई ना? अरे लेकिन तिवारी जी, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये सब सामान यहाँ पर आया कैसे। अरे सागर, क्या करना है, हमको हमारा घड़ी मिल गया, हो गया। अरे लेकिन तिवारी जी सीरियसली, ये सब सामान यहाँ पर कैसे आया भाई? इस चक्की चोर की वजह से। क्योंकि चक्की ने ही सामान चुराया था। अरे मैंने आपकी चक्की भाभी को कब चोर कहा? अरे अभी तो तुमने कहा कि चक्की ने सारा सामान चुराया है। अब चक्की मेरी पत्नी का ही तो नाम है। अरे साहब, इस चोर का यानी कि मेरा नाम भी चक्की है। क्या? जी साहब, इन सबके घर से ये सामान मैंने ही चुराया है। अरे लेती ने एक मिनट, एक साथ इतने साले घर में से चोली थे सती? ये मेरा स्टाइल है, मैं हमेशा एक ही बार में कई घरों में चोरी करता हूँ। अरे थोड़ा खाना पीना भी चुलाते थाया कल, तेरी हालत देख। वीरा, लेकिन चक्की भाई, ये सारा सामान वापस लौटाने का कारण? लौटाने का कारण, जब मैं आपके घर में चोरी करने आया तब आपको अपनी माँ से गुहार करते देखा, और तभी मुझे पता चला कि अरे आपका नाम भी चक्की है। ये चक्की नाम बदनाम न हो इसलिए चोरी का सामान सब मैंने यहाँ रख दिया, और छुप कर देखने लगा कि अपना सामान पाकर सब लोग कैसे खुश होते हैं। आवाज मेले छेल ना, मतलब अच्छा दिया तूने, वरना ये सब लोग तो पालती के बहाने गले तक खाना और मिठाई खाते गए, और बाद में आके ये मही भाभी पे चोली का इल्जाम लगा लेते थे। वाले जमाना। अरे गिले सब लोग नहीं, ये जो है ना भावना, ये सबके मन में जहर भरी है। हाँ, नाम है भावना, लेकिन ऐसी भावना। वीरा, भूखते नहीं है, काप लाके। चलो, जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। हाँ।
चक्की भाई, थांकू। एक मिनट, अभी आप सब लोग इस डंडे से पीट कर इस चक्की चोर को इसकी चोरी की सजा दीजिए, बस। अरे नहीं नहीं चक्की भाई, आपने तो मेरे पेट नेम की इज्जत रखी है। हाँ, और सबके सामने अपना गुनाह कबूल करके आपने अपनी ईमानदारी दिखाई। लेकिन नहीं, हम आपको सजा जरूर देंगे, और आपकी सजा ये है कि आज से आप चोरी करना छोड़ दोगे। ठीक है बहन, एक चक्की के कहने से यह चक्की चोर आज से सब चोरी चकारी बंद कर देता है। वाह 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 वाह।